जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज, जिसमें सिर्फ एक ही मुकाबला जीतने में कामयाब रही टीम इंडिया, बाकी के मुकाबले दोस्तों हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया ने सीरीज गंवा दी है। बड़े ही कह सकते हैं, दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि सीरीज जीत सकती थी टीम इंडिया और जिन खिलाड़ियों के साथ जिस मैदान पर गई थी वहाँ पर तो रिकॉर्ड भी अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया को दोस्तों लगातार 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ 2 हार नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो 12-12 अंकों की जद जहत थी, जो टीम इंडिया को जरूर जीतना चाहिए था, लेकिन वो 12-12 बेशकीमती अंक भी गवा दिए, उसके बाद ये सीरीज भी गवा दी। खाली हाथ भारतीय टीम को दोस्तों टेस्ट सीरीज की वजह से लौटना पड़ेगा। ओडीआई में उम्मीदें जागेंगी कि अल्लाहुल कप्तान है विराट कोहली, एज अ बैट्समैन ही हमें देखने को मिलेंगे, रोहित शर्मा वहाँ मौजूद नहीं। लेकिन आइए एक नज़र डालते हैं इन तीनों टेस्ट मैचों की सीरीज पर, क्या कुछ यहाँ पर 3 टेस्ट मैच के दौरान घटा मैदान पर, किस तरीके से टीम इंडिया ने अपने हाथ से वो सुनहरा मौका गंवा दिया जो टीम इंडिया के साथ कह सकते हैं नया इतिहास रचा जा सकता था। सबसे पहले सेंचुरियन मैदान की बात करें दोस्तों, तो केएल राहुल की शतक की बदौलत टीम इंडिया ने सेंचुरियन के मैदान पर 113 रनों की शानदार जीत दर्ज करी थी और इतिहास में पहली बार था कि 29 साल में टीम इंडिया पहली बार किसी मैदान पर जीत दर्ज कर पाई है। मतलब जोहान्सबर्ग पर तो जीत दर्ज करी थी, लेकिन सेंचुरियन के मैदान पर पहली बार जीत दर्ज करी। लेकिन जब बारी आई, सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जोहान्सबर्ग वाला टेस्ट तो जीत ही जाएंगे हम, जोहान्सबर्ग वाला टेस्ट तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर टीम इंडिया कभी हारी ही नहीं है साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स उनके घर के अंदर। लेकिन यहाँ पर बदल गया अचानक से कप्तान। जी हाँ दोस्तों, बैक इंजरी की वजह से कप्तान कोहली इस मुकाबले में खेले नहीं, केएल राहुल ने कप्तानी करी, गलत रणनीतियाँ देखने को मिली, जिसका नतीजा अफ्रीका की जीत के तौर पर निकल के सामने आया, जहां पर हमने देखा था दोस्तों किस तरीके से ज्यादा बड़ी पारी यहां पर कोई खेल नहीं पाया। राहुल ने 50 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 253 रन पुजारा ने, रहाणे ने 58 रन, हनुमा विहारी ने 40 रन नाबाद बनाए थे। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से कीगन पीटरसन ने 62 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से दोस्तों डीन अलगार ने 96 और कीगन पीटरसन 28, राशिवंदर दुसैन ने 40, तेमा बवाओ ने 23 बनाए थे और एडन माक्रम ने 31। कुल मिलाकर देखा जाए तो 240 रन चेस कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, वो उन्होंने चेस कर लिया एक दिन पहले और 7 विकेट से मुकाबला जीत गई थी। अब आते हैं थर्ड टेस्ट मैच पर। थर्ड टेस्ट मैच दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर तो विराट कोहली भी मौजूद थे, उनकी पसंदीदा प्लेइंग 11 भी मौजूद थी, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों वही फ्लॉप पारियाँ देखने को मिली खिलाड़ियों की बल्ले से, जिसकी वजह से भारतीय फैंस को निराशा हाथ लगी। भारतीय फैंस को काफ़ी उम्मीद थी कि टीम अच्छा करेगी इस मैदान पर, अपने बल्लेबाजों के दम पर मैच जीतेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया दोस्तों। ऐसा शायद पहली बार हुआ है विराट कोहली कप्तानी में कि 150 से प्लस का उन्होंने एक स्कोर सेट किया और वो अपने डिफेंड नहीं कर पाए अपनी कप्तानी में। भले ही पिछला मुकाबला केएल राहुल की कप्तानी में 240 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन यहां पर दोस्तों 212 रन डिफेंड करने में नाकामयाब रहे, लेकिन साउथ अफ्रीका अपने घर में दोस्तों जरूर शेर है, ये इन्होंने साबित कर दिया। बात करें थर्ड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 की, तो केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, बुमराह और उमेश यादव हमें देखने को मिले। कईयों का अब मानना है कि मयंक अग्रवाल की जगह प्रियांक पांचाल को मौका दिया जा सकता था, अजिंक्य रहाणे की जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता था, चेतेश्वर पुजारा की जगह पर हनुमा विहारी को मौका दिया जा सकता था, लेकिन अब कहने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब ज़्यादा बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। अगले टेस्ट जो सीरीज शुरू होगी उसमें बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो एकदम परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरी, बहुत कम बदलाव इन्होंने सीरीज में किए। डीन एलगर, एडन माक्रम, केगन पीटरसन, राशिवंदर दुसैन, तेम्बा बवुआमा, काइली वेरिन, मार्को जैनसन, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, ज्वेनी ओलिवियर और लुंगी एनगिड़ी हमें देखने को मिले। बात करें टीम इंडिया की, पहली बल्लेबाजी थी, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग करी निराशाजनक, 33 रन के अंदर दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। 12 रन राहुल ने, मयंक अग्रवाल ने 15, पुजारा ने फिर आया और उन्होंने कोहली के साथ अच्छी पार्टनरशिप जमाई। कोहली कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आए, ये साल 2022 का दोस्तों पहला मुकाबला था विराट कोहली के लिए। 201 गेंदों में 79 रन की पारी, 12 चौके, 1 छक्के की मदद से खेली। पुजारा ने भी 43 रन का योगदान दिया था, फर्स्ट इनिंग में अच्छी पारी खेली थी। रहाणे ने 9 रन बनाए थे, ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए थे 50 गेंदों में 4 चौके की मदद से, अश्विन ने 2, ठाकुर ने 12, बुमराह बिना खाता खोले चले गए थे, उमेश यादव ने 4, शमी ने 7 बनाए थे। तो उस तरफ से देखा जाए दोस्तों तो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को कागिसो रबाडा ने बहुत बखूबी संभाला। अगर इसी में ओन्निक नौरखिया होते तो शायद सोने पर सुहागा वाली बात होती और टीम इंडिया सेंचुरियन वाला टेस्ट भी नहीं जीत पाती।
रबाडा ने दोस्तों 4 विकेट चटकाए, ओलिवियर ने 1, मार्को जॉनसन ने 3, लुंगी एनगिडी ने 1, महाराज ने 1। लेकिन ये बात नहीं थी कि रबाडा ने सिर्फ इसी इनिंग में 1 विकेट चटकाया, बल्कि अगली इनिंग में भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी के प्रदर्शन की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट चटकाए थे, उमेश यादव ने 2, शमी ने 2, ठाकुर ने 1। अब जब जान चुके हैं साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी कमजोरी, तो क्यों दोबारा उसी पर हमला नहीं कर पाए भारतीय टीम के गेंदबाज। आपको बता दें, नाइट वॉचमैन के रूप में केशव महाराज ही 25 रन बना गए थे, वो भी फर्स्ट सेशन में, जब आपके हाथ में नई गेंद होती है। तो इससे पता चलता है कि गेंदबाजी में क्या कमी देखने को मिली थी। फर्स्ट इनिंग में किगन पीटरसन ने 72 रन, दासी बंदर दुसैन ने 21 रन बनाए थे, तेमा बबुआमा ने 28 रन बनाए थे, रबाडा ने 15 रन बनाए थे, 10 रन बनाए थे ओलिवियर ने। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए कि इस तरीके से टीम इंडिया और बेहतरीन कर सकती थी सेकंड इनिंग में, क्योंकि दोस्तों बात करें सेकंड इनिंग की तो टीम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 210 रन पर ऑल आउट किया था जब साउथ अफ्रीका को, तो 13 रन की लीड हासिल कर ली थी टीम इंडिया ने। लेकिन वहां से कुछ फायदा नहीं नजर आया, टीम इंडिया सेकेंड इनिंग में कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी नहीं करी। टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब फ्लॉप रहे। एक तो विराट कोहली ने 29 रन की पारी खेली, 29 रन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से खेली, जिस लय के साथ खेली, 143 गेंदों का सामना किया, तो यानी कि ये गेंदबाजों को पढ़ तो रहे थे लेकिन रन बनाने के मामले में ज़्यादा रिस्क भरे शॉट नहीं खेल रहे थे। लुंगी एनगिडी ने विराट कोहली का विकेट लिया था, लेकिन ऋषभ पंत की तारीफ करनी चाहिए दोस्तों, 139 गेंदों में 100 रन बनाए इस खिलाड़ी ने 6 चौके 4 छक्के की मदद से। जब बल्लेबाज 20-30 रन से आगे नहीं बढ़ रहा था तब इन्होंने 100 रन ट्रिपल डिजिट का आंकड़ा छुआ, तो ये एक कह सकते गर्व की बात है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों ऋषभ पंत के करियर के नज़रिए से, और इनको बहुत फ़ायदा देगा। टीम इंडिया अगर जीतती तो इसी शतक की बदौलत जीतती, लेकिन हार गई है ये निराशा भरी बात भी है। केएल राहुल ने दोस्तों 10 रन, मयंक अग्रवाल ने 7, पुजारा ने 9, मतलब देखा जाए तो तीन ही बल्लेबाज जो डबल डिजिट का आंकड़ा छुपा है, जिसमें केएल राहुल 10 रन, कोहली 29, ऋषभ पंत 100, बाकी कोई भी डबल डिजिट का आंकड़ा नहीं छुपाया। सेकंड इनिंग में रबाडा ने 3, मार्को जॉनसन ने 4, लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन जब साउथ अफ्रीका 212 रन चेस करने उतरी तो उन्होंने तीन ही बल्लेबाज खोकर ये चेस सक्सेसफुल कर लिया। एडन मार्करम ने 16 रन बड़ी तेजी से 4 चौके की मदद से मारे थे, डीन एल्गर ने 30 रन 96 गेंदों में मारे थे, किगन पीटरसन ने 113 गेंदों में 82 रन बनाए थे, वहीं दासी बंदर दुसैन ने 95 गेंदों में 41 रन बनाए, नाबाद तेमा बबुआमा ने 58 गेंदों में 32 रन नाबाद बनाए। तो मतलब इनकी पारी देखा जाए तो सब 20-30 रनों का योगदान तो दे रहे, जिसकी बदौलत टीम अच्छा कर रही है, और अगर यही टीम फर्स्ट इनिंग बल्लेबाजी करती तो शायद स्कोर कुछ और होता, तो शायद हमें 5वें दिन तक का भी खेल देखने को मिलता, लेकिन टीम इंडिया की वो बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली जिसके लिए जानी जाती है। मैदान पर दोस्तों हमने काफ़ी कुछ घटता देखा है, किस तरीके से कई खिलाड़ियों के बीच आपसी बहस हुई थी, विराट कोहली DRS विवाद पर कितना एंग्री होते नजर आए थे डीन एल्गर के। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें, किगन पीटरसन को मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिया गया और थर्ड टेस्ट मैच का मैन ऑफ द मैच का भी खिताब दिया गया, क्योंकि पूरी सीरीज़ के दौरान इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से रन निकाले जब सबका बल्ला शांत था। तेमा बबुआमा ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, डीन एल्गर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, और कगिसो रबाडा ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन रबाडा के लिए तो पिच स्वर्ग के बराबर थी तीनों पिचें, लेकिन किगन पीटरसन का बल्लेबाजी करना इस कठिन सिचुएशन में बहुत बड़ी बात थी। तो ये था दोस्तों अब तक का पूरा सीरीज़ का पूरा हाईलाइट, किस तरीके से टीम इंडिया के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लग सकती थी लेकिन सीरीज़ गंवा दी है टीम इंडिया ने। 29 साल का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ही रह गया, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 5वें नंबर पर लुढ़क कर आ गई है टीम इंडिया। बहुत बड़ा लॉस हुआ है दोस्तों, 24 अंक गंवाए हैं सीरीज़ के अंदर टीम इंडिया ने, 24 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं अगर देखा जाए फ्यूचर के नज़रिए से। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की लिस्ट यानी कि फाइनल तक की दौड़ में बनी रहेगी या नहीं, यहाँ से अब वो भी सवाल खड़ा हो गया है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ODI मुकाबले 19 तारीख से शुरू होंगे, ठीक 2 बजे आप सभी को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर लाइव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।